हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से एलबी मिश चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दादी माँ के बेस्ट रसोई टिप्स। नंबर एक, अगर आप इडली का घोल तैयार कर रही हैं और आप चाहती हैं कि आपकी इडली एकदम सॉफ्ट बने, तो आप उसमें थोड़े से उबले हुए चावल भी पीस के डाल दीजिए, इससे इडली नरम बनेगी। नंबर दो, अगर आप आलू बड़ा बनाने जा रही हैं और आपको पता करना है कि आपका घोल सही बना है या नहीं, तो आप एक कप पानी लीजिए और उसमें घोल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। अगर वो तैरने लग जाए तो आपका घोल बिल्कुल सही है। नंबर तीन, अगर आप चाहती हैं कि आपके बनाए हुए पकौड़े क्रिस्पी बने, तो उसमें बेसन के साथ थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर भी डाल दीजिए। नंबर चार, करेले की कड़वाहट को दूर करने के लिए करेले को काट कर उसमें नमक लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, कड़वाहट कम हो जाएगी। नंबर पाँच, प्याज काटते समय अगर आप चाहती हैं कि आपके आंसू न आए, तो प्याज को दो टुकड़े करके उसे थोड़ी देर पानी में डाल दीजिए। नंबर छः, पनीर को तेल में फ्राई करने की जगह आप उसे उबले हुए पानी में भी थोड़ी देर के लिए डाल सकती हैं, इससे यह सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएंगे। नंबर सात, भिंडी की सब्जी में थोड़ा सा आमचूर पाउडर या नींबू का रस डालने से यह चिपचिपी नहीं बनती है। नंबर आठ, आलू और प्याज को कभी भी एक साथ स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, इससे आलू जल्दी खराब हो जाते हैं। नंबर नौ, अगर आप पकौड़े बना रही हैं या पूरियां तल रही हैं, तो तेल में चुटकी भर नमक डाल दीजिए, इससे यह ज़्यादा तेल नहीं सोखेंगी और यह आपके लिए भी हेल्दी रहेगा। और जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।